so let's move forward to question number uh, 19 question number 19 says that uh, यू हैव टू फाइंड दिस डर्मिनेंेंट ऑफ दिस मैटर ठीक है क्योंकि जो इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके अंदर uh, जो चार ऑप्शन दिए दैट इज टू डिटर्मिनेंट तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है साथ में बोलता है डिमोमेट्रिक फंक्शन थीटा में दिया हुआ है तो थीटा की जो रेंज uh, है वो जीरो से टू पाई के बीच में है तो मैंने पहले सिंपल इसका क्या निकाल दिया डिटर्मिनेंट निकाल लिया जो कि एक्सपैंड कर दिया मैंने कॉलम वन से आप पहले इनको एड करा के प्रॉपर्टी दिलाकर जीरो भी बना सकते हो फिर भी एक्सपैंड करा सकते हो आपकी चॉइस है मैंने सीधा एक्सपैंड कर दिया और डिर्िनंट आपका ये आ रहा है तो डिटर्मिनंट निकालने के बाद मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया कि मेरा डिर्मिनेंट जो है वो ये आ रहा है अब इसके अंदर जो रेंज दी हुई थी थीटा की उसका क्या यूज़ है यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चंस को करना है वो देखते हैं हम तो मुझे उसने बोला थीटा की जो रेंज है वो जीरो से टू पाई है तो अगर थीटा जीरो से टू पाई तो मुझे साइन का ग्राफ पता है कि साइन का ग्राफ जो होता है वो कहीं ना कहीं फिर जीरो से टू पाई के बीच में जो रेंज आ रही है वो माइनस भी आ रही है वन भी आ रही है तो दैट मीन्स साइन थीटा जो है वो माइनस और वन के बीच में आएगा इस, इस इंटरवल में थीटा के इस इंटरवल में साइन की जो रेंज होगी वो क्या होगी माइनस टू वन तो मुझे बनाना है टू इंटू वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो मैं इसको यहाँ बीच में फॉर्म करूंगा तो मुझे चाहिए चाहिए साइंस स्क्वायर तो मैंने साइंस स्क्वायर अगर कर दिया तो माइनस वन ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यूज पॉसिबल नहीं होंगी साइंस स्क्वायर में तो साइंस स्क्वायर की रेंज क्या आ गई जीरो टू वन फिर मुझे क्या करना है वन ऐड करना है मैंने एडिंग वन ऑन ऑल साइड्स कर दिया इन इक्वालिटी के अंदर तो मैंने वन प्लस स्क्वायर यहाँ पे वन यहाँ पे टू आ गया अब uh, मुझे इन टू कराना है तो मैंने पूरी इन क्वालिटी को टू से मल्टीप्लाई करा दिया इन्हीं क्वालिटीज़ में मल्टीप्लाई कराने से या कुछ सेम नंबर हर साइड में ऐड कराने से फ़र्क नहीं पड़ता है तो इसलिए यहाँ पे टू uh, से मल्टीप्लाई हो गया आपके पास तो ये डिटर्मिनंट बीच में चाहिए था वो मेरे को आ चुका है तो इसकी रेंज क्या आ गई लेस द ग्रेटर देन इक्वल टू टू एंड लेस देन इक्वल टू फोर तो दैट मीन डिटर्मिनंट शुड बिलोंग टू टू एंड फोर टू टू फोर एंड क्लोज ब्रैकेट्स दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी ओके सो वी आर डन विद दिस चैप्टर ठीक है आप इसको प्लीज प्रैक्टिस करिए अच्छे से ठीक है एंड विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर बाय बाय टेक केयर